HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाहिद कपूर के साथ फिल्म इश्क विश्क में नजर आई शहनाज ट्रेजरी वाला फिर से फिल्मों में वापसी कर रही हैं। शहनाज करीब 15 सालों से न्यूयॉर्क में रह रही हैं। वो 2001 में वहां शिफ्ट हो गई थीं। 29 जून 1981 को पारसी फैमिली में जन्मी शहनाज के पापा मर्चेंट मरीन इंजीनियर हैं। शहनाज ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर से की। स्कूलिंग के बाद वो आगे के पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चली गईं। तब से वो वहीं रहती हैं। बीच में हालांकि शहनाज ने बॉलीवुड में हाथ आजमाया, लेकिन वो यहां ज्यादा सफल नहीं हुई। ऐसे में वो वापस न्यूयॉर्क चली गईं। वहां उन्हें अमेरिकन शो वन लाइफ टू लिव में बड़ा रोल मिला। इस शो के साथ वो 3 साल जुड़ी रहीं। एक्ट्रेस के साथ शहनाज एक ट्रैवलिंग ब्लॉगर भी हैं। उन्होंने कई इंटरनेशनल मैगजीन के लिए ट्रैवलिंग आर्टिकल लिखे हैं। 2015 में शहनाज अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा ब्राउन नेशन से जुड़ी थीं। अभी भी वो इस शो का हिस्सा हैं। साथ ही वो हॉलीवुड फिल्मों में भी ट्राई कर रही हैं। जल्द ही वो द बिग सिक नाम की हॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म में अनुपम खेर भी होंगे। शहनाज ने पहली हिंदी फिल्म इश्क विश्क की थी। बात दें 2014 में शहनाज ने वुमन सेफ्टी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन समेत कई बड़ी शख्सियतों को एक ओपन लेटर लिखा था, जिसे लेकर वो काफी सुर्खियों में रही थीं।